समस्त नमस्कार, मुझ संदीप आपको पुणी थे स्वागत करुँचे ओडिशार प्रिय यूट्यूब चैनल जार नाँ हूँ प्रेमदा ट्यूटोरियल्स। तो पाला देख आज देखिए आउ गए मॉक टेस्ट आम कौन ओडिशा आम जब कहि ओडिशा पुलिस एसआई जो आम समस्त देखी पार्थ एसआई भाव में समस्त को जना थी है कि ना। तो जो पाने एसआई प्राक्ट करें प्रिपेयर होकर आम किसी कौन कह इंपोर्टेंट क्वेश्चन थी जो एग्जाम रिलेटेड थी से सब आम देखा तापूर्व जब कह देख फ्रंट पेज में समस्त को देखा जाऊ कौन ये जो आम बेच है कि ना पे आम कौन कहे ओडिशा पुलिस जो बेच अच्छे जब कह फुल सिलेबस टोटल जब समस्ते पाइबा चाहूँ टोटाल आम बेच को जब जॉइन करने चाहो केत जॉइन कर समस्त प्राइस देखा जाऊ 1999 में समस्ते पाइपर ठीक अच्छे ये कौन कौन सब अवेलेबल रोक कौन कौन सब मिल पार देख कौन मिले जब आम कह फुल सिलेबस मैंने जहाँ भी सब स्टडी देख आम क्लासेस तो बहुत पूर्व स्टार्ट होती तो फुल सिलेबस जहाँ भी सब स्टडी मटेरियल अच्छे सब पीडीएफ अच्छे सब वीडियो सॉल्यूशन अच्छे वीडियोस अच्छे सब पाइपर तापर आउ कौन पाइब एवेलेबल रही है होगा प्राक्ट बेच मैं पाइपर है कि नहीं प्राक्ट बेच में कौन हो ना कौन कह क्वेश्चन डिस्कशन हम लाइव से आम मान सहित मिसिकी है जब आम पढ़ा भल लगे तेल मिसिकी एम लाइव क्लासेस किंवा आसिक अफलाइन ये भी सब करें कि नहीं तो प्राक्ट बेच र तापर कह कौन मॉक टेस्ट रोक मॉक टेस्ट के रोर 15 फुल मॉक टेस्ट रोटा कि अवेलेबल रोबूर प्राइस जदि खाली तुम जब पर्सनाल जब किनवाई चाहो प्राक्ट बेच रेत प्राइस RRR99 प्राइस रगक अच्छी यार जब कह खाली प्राक्ट बेच चाहो आ जब कह मॉक टेस्ट खाली मॉक टेस्ट तुम जब परचेज करने चाहो 15 मॉक टेस्ट जब किण तो ये तुमको पड़ज 399 मैंने पाखापाखि 400 टाँगा आ ये आम 1000 तो युटार ही 1400 टाँग हो तो यहाँ को जब तुम केते 1999 जदि कह 1999 तुम परचेज करुच ताले टोटल आम जहाँ भी सब पढ़ाई स्टोरी मटेरियल सब किसी पाइपर सब टॉपिक रोक ठीक अच्छे तापर देखिए नेक्स्ट देख ये आम खाली डेली प्राक्ट बेच जो कहे कि प्राक्ट बेच तो प्राक्ट बेच में कौन थी यार प्राइस रही है आमर के 999 मुझे टी आगे तो यार पाइव खाली 999 जे चाहो खाली याचेज करवाई तो याचेज करपर जो आउ एक्सट्रा गुड़ा आमर मॉक टेस्ट जो रहा है पुणी परचेज कर जब भल लगे ठीक अच्छे चलो तापर देखिए नेक्स्ट ये आसा खाली मॉक टेस्ट आमर जदि कह 15 मॉक टेस्ट केत रमर केत रहा 399 केत रहा देख खाली मॉक टेस्ट पर 399 ये आम 15 मॉक टेस्ट कौन पर क्वेश्चन टेस्ट अधिक रोचे आम क्वेश्चन जब कह बहुत बहुत सारा क्वेश्चन रोचे से आम के 15 मॉक टेस्ट आम प्रोवाइड करुच्छू ठीक अच्छे चलो प्रथम क्वेश्चन को देखा जोटा एग्जाम रिलेटेड थी जो जो टाइप आसूसी क्वेश्चन से सब टाइप क्वेश्चन थी है समस्ते ध्यान दे कि देख भल से पढ़ है कि नहीं आ देख क्वेश्चन को निजे करने ट्राए कर फास्ट कथ मुझे कहबी क्वेश्चन को भिडियो को पोस्ट करा कि नहीं कौन कर ना निजे सल्यूसन बाहर कर सल्यूसन जहाँ भी आसू ठीक अच्छे जहाँ भी सल्यूसन आसू सल्यूसन आसपे आमर सल्यूसन सागे तुम मैच कर हो कमेंट जनइब जब भिडियो भल लगुता है तेल भी कमेंट जनइब देख प्रथम क्वेश्चन कौन करवा देख कौन कौन फर्स्ट क्वेश्चन रे देयर इज ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स कौन कहला देख 5 मेंबर्स माने 5 जन मेंबर को कौन गोटे फैमिली अच्छी ठीक अच्छे गोटे फैमिली तापर देखा कौन कहला किए कि आमर KLMNNO यही 5 जन गोटे फैमिली अच्छी ठीक अच्छे माने आम कहीपर गोटे फैमिली में 5 जन मेंबर अच्छा कहींपर ठीक अच्छे तापर कौन कहला एमंग देम देयर इज 1 मैरिड कपल से ही मानर कौन कहला गोटे मैरिड कपल थे माने जने हस्बैंड हेले जने वाइफ थे ठीक अच्छे एमती ही थे से माने ठीक अच्छे गोटे ही मैरिड कपल बाकी से माने आउ अलग अलग किए थे किए अनमेरिड थी किए पु थी किए नाती थी किए अजा थी एमती थे देखा कौन कौन सब अच्छे ठीक अच्छे तापर कहला ओ इज अनमेरिड ये देख जना पड़गला ओ हूँ अनमेरिड ठीक अच्छे ओ आम अनमेरिड थी ओ इज अनमेरिड एंड इज द ब्रदर अफ के एंड कौन कहला सी हूँ भाई कहार भाई आम के भाई आम कहीपर के भाई ठीक अच्छे आम कहीपर के भाई हूँ आम ओ आउ ये अनमेरिड थी ठीक अच्छे तापर एन इज द सिस्टर ऑफ ओ ओ सिस्टर किए पिला मैंने ओर सिस्टर हूँ एन तो ये आसमर सिस्टर ठीक अच्छे भौणी ओर सिस्टर मैंने के रे सिस्टर कहींपर ये कनफर्म होतापर एम इज द ओनली मेरिड फिमेल कौन कहला देख एम हूँ ओनली मेरिड फिमेल सी कौन एम जो फिमेल आँच मेरिड आम लिखिपर एम इज द ओनली मेरिड फिमेल मैंने ये जहाँ को जन को मेरेज करेंगे ये थी एडी थी हस्बैंड थे जी भी थे ठीक अच्छे तापर कौन कहला एंड द मदर ऑफ एन एंड कौन कहला मदर कहार मदर एन रदर तो आम कहीपर एन रदर होती एम तो ये देख एन अच्छी आम कहीपर एन रदर होती किए एम ये आसे मदर ये तो क्या जो मेरेज करेंगे ये जगह आउ जे थे हस्बैंड थे प्लस ठीक अच्छे तो आम जान लें कि एन रदर जदि एम तो एम डॉटर एन थे ठीक अच्छे आउ ओ हो सन आउ किए आम मेल कि फिमेल जी हेल्ले गोटे डिनोट करवा आम है कौन कहला एल एंड ओ
आर द ओनली मेल्स इन द ग्रुप कौन कहला देख एल एंड ओ एल आउ ओ आमर केवल मेल मेम्बर कौन कौन केवल से दुईज मेल मेम्बर अटंती से ही फैमिली रे तो देखो ओ आम जानले एल कौटी थी एल ये थी ठीक अच्छे एल देख प्लस होगा ये गोटे मेल मेम्बर ये गोटे मेल मेम्बर होगा ये कनफर्म होगा जापरल समस्ते तो केटा आम कौन थी ये जो झील थी ये कनफर्म ना भी चलो किसी असुविधा नहीं नदे भी चलो एवं क्वेश्चन कौन पचारा हु इज द फादर अफ के केयर बापा किए केयर बापा किए देख यही तीन जन हो भाई भौणी आम जापरले समस्ते यही तीन जन हो कौन आम भाई भौणी ब्रदर सिस्टर अच्छा तीन जन तर मदर होती एम ए आउ एम जहाँ को मेरेज करेंगे क्या मेरेज कर एल तो एल होमर यही तीन जन बापा एन रपा ओर बापा आउ के बापा तो आम कहीदबा ये कौन कौन केयर बापा किए बोली कौन तो केयर बापा किए भी आम एल तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी ऑप्शन बी एल होमर राइट आंसर बुझीपाल समस्ते एल होमर राइट आंसर तो आम कहीपर एन ओ आउ के तीन जन बापा हूँ किए आम एल बोली कहींपर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देख ए कौन कौन देखिए पे स्टेटमेंट एंड आजम्सन यही टाइप रोश्चिन् प्राय आसूर जब कह प्रिवियस इयर क्वेश्चन समस्त फाइंड कर ये टाइप रोश्चिन् बहुत बहुत सारा अच्छे तो आम देखी देखी जा सब क्वेश्चन गुड़ा कौन कौन देख क्वेश्चन को बुझ ये देख निज तरफ किसी भी एड करवा किसी दरकार नहीं जहाँ सी स्टेटमेंट देखे से ही हिसाब से देखा कौन कहला देख स्टेटमेंट दिहला रिच पीपल आर मोर प्रोन टू हैव हार्ट अटैक्स कौन कहला देख जो मैंने रिच पीपल मान जो मैंने अधिक धनी था ठीक अच्छे धनी लोक मैंने कौन आम अधिक हार्ट अटैक होता है कही ठीक अच्छे अधिक मैंने हार्ट अटैक होता है देखा आजम्सन आम कौन दिखाई आजम्सन कौन दिखाई तार जो आम स्टेटमेंट कनक्लूजन आसी है स्टेटमेंट आजम्सन आसी है ठीक अच्छे देखा कौन दिखाई यहीटा तो आम स्टेटमेंट होगा मानने केवल धनी लोक मानक हार्ट अटैक हुए ठीक अच्छे देखा अधिक हो मोस्ट अफ द डेथ एमंग द रिच पीपल आर ड्यू टू हार्ट अटैक यहीटा हो पार कि से मूँ हार्ट अटैक हो ठीक अच्छे कितनी कौन कहला देख मोस्ट अफ द डेथ अधिक डेथ हो रिच पीपल मानक हार्ट अटैक रू ना ये विषय तो किसी दिहाई ना तो ये हो पार ना ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखा पुअर पीपल डू नॉट हैव हार्ट अटैक ये देख कही गरीब लोक मानक हार्ट अटैक हुए ना यहाँ देख ये दिखाई कि ये केवल धनी लोक विषय कहुई कि देख यो लाइनटा दिखाई है पुअर पीपल डू नॉट हैव हार्ट अटैक से मूँ हार्ट अटैक हुए ना बोली कहूँ हुए ना कि भी तो हो पार एमती नुह कि लोक देखिक आसो कि सी है कि नहीं तो ये मध्य हो पार ना ठीक अच्छे यार उपर भी ये किसी स्टेटमेंट दिखाई ना तो आम कह ना एक फलो करुच्छे ना दुई फलो करुच्छे ना दुईटा मध्य गोटे भी फलो करूना तो आम कह इम्प्लीसीट ये कौन देख गोटे जदि फलो करुव कहीपर आम वन मानने ओनली वन इम्प्लीसीट जदि दुईटा करुव खाली तो कौन कहीपर खाली दुई फलो करुले ओनली टू इम्प्लीसीट कि आमर ये कौन है ना फास्ट है ना सेकेंड है तो आम कह दुईटाक है ना आम कह देख ये कौन कह नाइदर हाँ ना आमर एक हूँ ना दुई हूँ ये कहींपर तो आम कहींपर नाइदर वन नर टू इम्प्लीसीट कहींपर बुझीपाल समस्ते ना आमर एकटा फलो कर सत्यता अच्छी ना दुई रे सत्यता किसी भी आम ट्रु नुहे ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट देखा देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला डायबिटीज नंबर थ्री कौन डायबिटीज इज रिलेटेड टू ब्लड सुगर समस्त जानी थी ब्लड सुगर कौन सुगर लेवल अधिक हो गले कौन डायबिटीज हो समस्ते कही था ठीक अच्छे इन द सेम वे एज हाइपरटेंशन कौन हो ये राइट आंसर समस्त जानपर थे आमर ब्लड प्रेशर हो तार राइट आंसर बुझीपाल समस्ते ब्लड प्रेशर बीपी जो हाई हो जाए समस्त जानते हाइपरटेंशन बीपी हाई हो जाए कहते ना ये सहीटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देख नंबर फोर कौन कहला सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म देख ए कौन कौन आम देखा जदि प्रथम दुईटा जमी टर्म रिलेट करते देख फास्ट गोटे वार्ड दिखाई कि गोटे लेटर अफ कौन कह ग्रुप अफ लेटर्स दिखाई ये देख ठीक अच्छे कौन कर्नाटिक दिखाई है किसी गोटे लिखाई जहाँ भी लिखाई दू ठीक अच्छे तप नेक्ट देखा फ्रीडम्स फ्रीडम्स रण हम फ्रीडम्स रण हम आम जब देखा चलो वार करवा प्रथम देखा कर्नाटिक केमती लिखाई आम जब कह कर्नाटिक कर्नाटिक लिखाई लिखाई के एस बी डी तापर आसला एम जेड तापर आसो डी जे यू ये लिखाई तापाई कोड करके लिखाई देख कोड करके जहाँ भी कहार है कि नहीं आम जब कह कमी लिखाई दे देख पे सी जब एस लिखा ये हम कि आम कह सी जब एस बढ़े केत बढ़ी थोड़ा ये आम
କେତେ 16 ବଢିଛି ଠିକ ଅଛି ଏ ରୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ରୁ ଡି ଏ କମିଛି ଏନ୍ ରୁ ଏମ୍ ବଢ଼ିଛି ଏ ରୁ ଜେଡ଼୍ ବଢ଼ିଛି କହିପାରିବା କମିଛି ବି କହିପାରିବା ହେଲା କି ନା ଏଇଠି କେମିତି କରିବା ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି କହିବା ଦେଖ ଏଇ ତିନିଟାର ପେୟାର୍କୁ ନେଇଯାଅ ଦେଖ ରିଲେସନ୍ ବାହାର କର ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟାର ପେୟାର୍କୁ ଦେଖ ପୁଣି ଏଇ ତିନିଟାର ପେୟାର୍କୁ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ କୁହ ଦେଖ ସିରେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କରିବି ଡି ଆସିବ କି ଏଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏ ରେ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଲେ ବି ଆସିବ କି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ଆର୍ ରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଲେ ଏସ୍ ଆସିବ କି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ତ ପ୍ରଥମ ତିନିଟା ଆଲଫାବେଟ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏନ୍ ଯଦି କହିବି ଏନ୍ରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବା ଏନ୍ରୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କଲେ ବି ଏମ୍ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ତ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ବି ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବି ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଥିବ ତାପରେ ଏ ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କଲେ ବି ଜେଡ଼୍ ଆସିବ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ବି ଜେଡ଼୍ ଆସିବ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ର ଅପୋଜିଟ୍ ବି ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଆମର କ'ଣ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବି ହେଇପାରେ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଥିବ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟିରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଲେ ୟୁ ଆସିଲା ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଜେ ସି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଜେ ଡି ତ ଏଇ ତିନିଟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଏଇଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମଝିରେ ହୁଏତ ଇଏ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଦେଖିବା ଫ୍ରିଡମ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଫ୍ରିଡମ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ସର କ'ଣ ହେବ ତ ପ୍ରଥମେ ତିନି ତିନିଟା ପେୟାର କରିଦିଅ ଏଇ ତିନିଟା ପେୟାର ଥିବ ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆସିଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟରେ ତିନିଟା ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଫ୍ରେ ଯଦି କହିବି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସବୁଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଉଥିଲା ଏ ପରେ ଆସିବ କିଏ ଏ ପରେ ଆସିବ ଜି ଠିକ୍ ଅଛି ଆର୍ ପରେ ଆସିବ ଏସ୍ ଆଉ ଇ ପରେ ଆସିଥାଏ ଆମର ଏଫ୍ ତ ଏଫ୍ ଏସ୍ ଜି ପ୍ରଥମରେ ତ ଏଇ ତିନିଟା ଥିବ ଏଫ୍ ଏସ୍ ଜି ଦେଖ ଏଇଠି ଏଫ୍ ଏସ୍ ଜି ଅଛି ଏଇଠି ବି ଅଛି ଏଇଠି ବି ଅଛି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହେବ ନାହିଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଇରେ ଯଦି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କରିବି ଏଇଠି ଡି କିନ୍ତୁ ଡିର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଡିର ଅପ୍ସନ୍ ଦିଆ ହେଇ ନାହିଁ ମାନେ ଏବେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ କି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଅପୋଜିଟ୍ ପେୟାର ହେଇଥିବ ଏବେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଇଏ ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ପେୟାର ହେଇଥିବ ତ ଆମେ କହିବା ଦେଖ ଇ ର ଅପୋଜିଟ୍ କିଏ ଆସିବ ଭି ଡି ର ଅପୋଜିଟ୍ କିଏ ଆସିବ ଡବ୍ଲୁ ହେଇଗଲା ତ ଭି ଆଉ ଡବ୍ଲୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଭି ଏକ୍ସ ଅଛି ୟୁଏନ୍ ଭି ଡବ୍ଲୁ ଏଇଟା ଅଛି ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ହେଲା ତ ଏଇ ଦୁଇଟାର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ପେୟାର ଫର୍ମ ହେଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ ପେୟାର ଇ ର ଅପୋଜିଟ୍ ଭି ହେଇଥାଏ ଜାଣିଛ ଇଭିନିଂ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ ଡି ର ଡି ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଦେଖିବ ଏସ୍ ର ଦେଖ କିଏ ଆସିବ ଏସ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଲେ ଆସିଲା ଟୁ ଏମ୍ ପରେ ଆସିବ ଏନ୍ ତାପରେ ଓ ପରେ ଆସିବ ଉପରେ ଆସିବ ପି ତ ଟି ଏନ୍ ପି ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଟି ଏନ୍ ପି ଥିବ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ଫାଇଭ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିଦିଅ କହୁଛି ଇଫ୍ ଦୀପାଲିସ୍ ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ ଦେଖ ଇଏ ଆମର କ'ଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆ ହେଲା ହେଲା କି ନାହିଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆ ହେଇଛି କ'ଣ କହୁଛି ଇଫ୍ ଦୀପାଲିସ୍ ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ ୱାଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ 29 ଫେବୃଆରୀ 1996 କ'ଣ କହିଲା 29 ଫେବୃଆରୀ 1996 ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ହାଉ ମେନି ବାର୍ଥଡେ ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦୀପାଲି ଅନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି କହିବି ଆମର କେତେ କହିଛି 2028 କେତେ କହିଛି ଆମର 2028 ସେ 2028 ଯାଏଁ ସେ କେତେଟା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିବ କେତେଟା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଇଫ୍ ଦୀପାଲିସ୍ ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତା'ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଥଡେ ସେ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲେ ଯଦି ଆମେ 29 ଫେବୃଆରୀ 1996 ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଥିବ କନଫର୍ମ ପୁରା ହେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି 29 ଡେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି ତ ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ 96 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ଯଦି 29 ଫେବୃଆରୀ 1996 ଇଏ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ 2028 ଯାଏଁ ସେମାନେ କେତେଟା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ ଲିପ୍ ଇୟର୍ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିଥାଏ ସେହି ହିସାବରେ ସେ କମ୍ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ହେଲା ତ ଦେନ୍ ସେ କହିଲେ 2028 ଯାଏଁ ତ ମୋତେ କହ ଲିପ୍ ଇୟର୍ କେଉଁ କେଉଁଟା ଥିବ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେଖ 1996 ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିବ ତ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବ କେତେ 2000 ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆସିବ 2004 ଗୋଟେ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆସିବ କେତେ 2008 ଗୋଟେ ଆସିବ ତାପରେ ଆସିବ 2012 ଆସିବ 2016 ଆସିବ ତାପରେ ଆସିଲା କେତେ 2020 ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ 2024 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆମର 2028 ଏମିତି କରିକି ବାହାର କରିପାର ନହେଲେ ଇଜି ଅଛି 28 ଯଦି ଆମେ କହିବା 28/4 କରିଦେବ 4 କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4 7 7 28 ଠିକ୍ ଅଛି 28 ଆସିଗଲା ଏଠି ଆସିବ 7 ଆସିଲା ତାପରେ 2000 ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ 96 ବାଲା ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଥିବ ତ କେତେ ଆସିବ ଟୋଟାଲ୍ 8 ଆଉ 9 ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଇଏ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ ତାଙ୍କର 29 ଫେବୃଆରୀ 1996 ହେଉଛି ଦେନ୍ 2028 ଯାଏଁ ସେମାନେ କେତେଟା ଆମର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ 9 ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାକି ମାସରେ ଆମର 29 ଡେଜ୍ ତ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା କି ନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି କହିବେ ଫେବୃଆରୀ ବାକି କୌଣସି ଇୟର୍ରେ ସିଏ 29 ଡେଜ୍ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଖାଲି ଆମର ଲିପ୍ ଇୟର୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ ଏଇଠି ବି କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବ
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो आम कही पारे टोटाल नौटा बाद से सेलिब्रेसन कर ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ए कोड लांगुएज कौन कही देख गोटे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन दिखाई कौच रेकर्ड कौन कहे रेकर्ड रेकर्ड इज कोडेड एज 63 रेकर्ड को कौन कर 63 जदि आम कह आर इ सी ओ आर डी या लिखाई आम के 63 केमती लिखाई ताको तो आम बाहर कले जमा पड़ो आम देखा कौन हेल्प लिखाई हेल्प हेल्प को केखाई आम 41 देन व्हाट इज द कोड फॉर डेस्ट्रॉय डेस्ट्रॉयर कोड के डेस्ट्रॉयर कोड के आम देखा डेस्ट्रॉयर कोड के देख पे आम जब कह फास्ट रेकर्ड्र बाहर करवा हेल्प्र बाहर करवापर जाए डेस्ट्रॉयर बाहर करवा केमती कले 63 होती है प्रथम तार अल्फाबेट रो जहाँ भी डिजिट थी जिते भी पोजिशन भैल्यू थी से सब को एड करवा ई आसा 18 ई आसो आम 5 नंबर तापर सी आसा आम 3 नंबर तापर आसो आसा ये 15 नंबर ठीक अच्छे आर आसो पुणी 18 नंबर तापर डी आसा आम 4 नंबर ठीक अच्छे एवं मिसाई दि आम जब कह 18 18 36 36 आ 4 मिसले 40 50 55 55 जब 8 मिसेबी तालोले आम 63 हाँ ठीक अच्छे। तो ये सब कुछ सम कले कौन हो सम कले आम के 63 तो आम कहीपर आल्फाबेट रो पोजिशन भैल्यू जहाँ भी पोजिशन भैल्यू थी से सब को सम कले एडिशन कले कौन हो तार कोडिंग लांगुएज दिखाई 63 आसूला आम हेल्प को देखा 8 आसा प्लस इ रसीज 5 एल आसमर 12 आसगला ठीक अच्छे 12 तापर आसोल ठीक अच्छे सबको एड कर दि के आस 8 6 14 14 5 आसगला 19 19 2 मिसले 41 सॉरी 21 21 रो लास्ट 1 आसुची माने आमे कही परबा ये मध्य 41 थिबो कन्फर्म हे गला जानि पाले समस्ते त आमे देखिबा डेस्ट्रॉयर केते हो आमे केते पाई परबा देखो मिसाओ समस्त को जदि आमे कहबा मिसे दियो जदि कहबी ये 5 आ 4 9 9 आ 9 18 18 जदि कहबी 18 तापर आसीबो 8 18 8 केते जीवो 8 8 16 26 26 5 हे जीवो केते 31 31 रे 5 मिसले हमर आसीबो केते लास्ट डिजिट को मन रखु था 31 आसा आम 36 तो लास्ट आसो 6 लास्ट डिजिट आम थी 6 देखीद लास्ट डिजिट कौटे 6 अच्छी गोटे ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट 6 अच्छी ना कर 36 आसूला 3 रन तापर आसे सब एड कले आम के 106 ही आसो चेक कर समस्ते कम देख लास्ट डिजिट जदि चेक करवा कौन भी जगह सेम ना 6 9 7 8 अच्छी तो कौटा अच्छी लास्ट आम 6 आसा तो गोटे ही ऑप्शन आम रईट आंसर थी बुझेगला एमती ही रिजनिंग जो बाहर कर ट्रिक टिके यूज कर सब बेले कौन पाई ना टोटल जब डिस्क्राइब कर आंसर तो लेट ही आमर एग्जाम तेरे ना आमको कम समय भितर अधिक क्वेश्चन जबार अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ए रो तापस इज 13th फ्रम द लेफ्ट एंड भानु इज 42 फ्रम द राइट इन बिटवीन तापस एंड भानु 1 पर्सन इज सीटेड कौन कहला देख क्वेश्चन को बुझ कौच इन ए रो गोटे रो अच्छी ठीक अच्छे आम जब कह गए रो बनईदे कहला तापस इज 13th फ्रम द लेफ्ट जो आम कह लेफ्ट रू राइट ये लेफ्ट रू राइट नहीं जा ठीक अच्छे लेफ्ट रू काउंट कले तापस आमर के नंबर तापस आसा आम टी लिखी दूसरी तापस सी आम 13th नंबर 13 नंबर ठीक अच्छे लेफ्ट रू एंड भानु इज 42 भानु आम 42 कौपटू राइट राइट रू काउंट कले भानु रैंक के 42 ये आम कह 42 कहार रैंक आम ये भानु ठीक अच्छे भानु आम कहीपर तापर कौन कहला तापर कौच इन बिटवीन तापस एंड भानु 1 पर्सन इज सीटेड ताक मझे जड़े बस ठीक अच्छे ये जदि आम जड़े बसईवा है कि नहीं जड़े बसईवा ये आउ गोटे केस ओवरलैपिंग केस है कि नहीं आउ गोटे केस केमती हो पार ओवरलैपिंग केस हो पार कि आम पर बाहर करवा देखा कौन आंसरटा ठीक आसूस है फाइंड द टोटल पर्सन ऑफ दैट रो 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 टोटल पर्सन बाहर करवा जदि एमती ही किसी आम डायग्राम बनइले बिना ओवरलैपिंग यहाँ विदाउट ओवरलैपिंग ठीक अच्छे आउ गोटे थी आम जोटा कि ओवरलैपिंग केस थी सही बाहर करवा ट्राए कर देखिए आंसर आसूसी कौन आंसर आसूस देख ये जब आम कह टोटल रैंक देख लेफ्ट रू काउंट कले ये 13 नंबर ठीक अच्छे राइट रू काउंट कले ये आसा के नंबर 42 नंबर आ मझे के बसर के जड़े तो तीन टाक आम जना अच्छी तो सबको एड कर दि लेफ्ट रू रैंक मझे जड़े आउ राइट रू रैंक जना अच्छी समस्त को एड कर दि के आसो 3 2 5 1 6 लास्ट आसा 6 4 1 5 तो ये आसा 56 तो 56 ऑप्शन रे अच्छे हाँ 56 ऑप्शन रे अच्छी तो ये मध्य आंसर हो पार जदि ओवरलैपिंग होती जदि भी ओवरलैपिंग होते तो कमी केस हम देख ये विदाउट ओवरलैपिंग आम आसा आंसर 56 ओवरलैपिंग केमती हम जदि आम कह ये पटर 13 नंबर थी ये आसा 13 नंबर किए तापस रईट्रु जब आम काउंट करवा ये जदि थी आमर किए भानु
ଇଏ ଆସିଲା ଭାନୁ କେତେ 42 ନମ୍ବର ତ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଯଦି ଜଣେ ବସିବ ଏମିତି ହେଇଥିବ କେସ୍ ଯଦି ତ ଏଇଠି ଏଡ୍ କରିବା କେତେ ଆମର 42 ପ୍ଲସ୍ 13 ମାଇନସ୍ 2 ଯଦି କରିବା ତ ଆସୁଛି କି ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ 3 2 5 ଆସିଲା କେତେ 55 ମାଇନସ୍ 2 କଲେ ଆସିବ 53 ର କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଅଛି କି 53 ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଓଭରଲାପିଂ ହେଇନଥିବ ଆମର ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ବି ଆମେ କହିପାରିବା 56 ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 53 କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ ଅପସନ୍ରେ ହିଁ ତ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ତ ଆମେ କହିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ଓଭରଲାପିଂ ହେଇ ହିଁ ନଥିବ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ନମ୍ବର 8 ବିକାଶ ଇଜ୍ ତୃପ୍ତିସ୍ ମଦର୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ୍ସ ମଦର୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଏଇଠି ମଦର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଲି ଦିଆ ହେଇଛି ଆମର ହେଲା କି ନାହିଁ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶ କହିଲା ଦେଖ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ବିକାଶ ଇଜ୍ ତୃପ୍ତିର ଆମେ ଲେଖିବା ଦେଖ ତୃପ୍ତିସ୍ ମଦର୍ ମାନେ ତୃପ୍ତିର ମା ଏଇଠି ଆସିବେ ମଦର୍ ଆସିଲେ ମାଇନସ୍ ଦେଇପାରିବି ମଦର୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ତୃପ୍ତିର ବାପା ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଜବେଣ୍ଡ ପୁଣି ମଦର୍ ମାନେ ସେଇ ହଜବେଣ୍ଡର ଏଇଠି ଆସିବେ ପୁଣି ମଦର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମଦର୍ ତାପରେ ମଦର୍ସ ପୁଣି ଆସିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆସିବେ ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇପାରିବି ତ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ତୃପ୍ତିର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଆମର ବିକାଶ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଆମେ କାହାକୁ ଲେଖିବା ଏଇଠି ଲେଖିବା ଆମର ବିକାଶ ଲେଖିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ରହିଲେ ହେଇଗଲା ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ହାଉ ଇଜ୍ ବିକାଶ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ତୃପ୍ତି ବିକାଶ ଆମର ତୃପ୍ତିର କ'ଣ ଲାଗିବେ ଦେଖ ନିଜର ବାପାଙ୍କର ବାପା ତ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କିମ୍ବା ପେଟର୍ନାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କହିବା ତ ଅପସନ୍ରେ କେଉଁଟା ଅଛି ମଦର୍ସ ବ୍ରଦର ଇଏ ହେବ ନାହିଁ ପେଟର୍ନାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ଖାଲି ବି ଯଦି ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଇଟ୍ ଅଛି ବୁଝିହେଇଗଲା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତୃପ୍ତିର ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଇଏ ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ବୋଲି କହିବ ତୃପ୍ତି ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କହିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ବୋଲି କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଇଏ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କି ନା ଇଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆସୁଛି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବନେଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କେଉଁଟା ଫଲୋ କରୁଛି କେଉଁଟା ନ ଫଲୋ କରୁଛି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ କହୁଛି ସମ୍ ବଲ୍ସ ଆର୍ ବ୍ଲାକ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ କହିଥିବ ସମ୍ ବଲ୍ସ ମାନେ ସମ୍ ମାନେ କ'ଣ କିଛିଟା ଆମର ଥିବ ହେଲା କି ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛି ସମ୍ ବଲ୍ସ ଆର୍ ବ୍ଲାକ୍ ତ କିଛିଟା ଆମର ବଲ୍ସ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ଆସିଲା ସମ୍ ବଲ୍ସ ଆର୍ ବ୍ଲାକ୍ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଅଲ୍ ବଲ୍ସ ଆର୍ ରେଡ୍ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଅଲ୍ ବଲ୍ସ ଆର୍ ରେଡ୍ ସବୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି ସିଏ ଆମର ରେଡ୍ ବୋଲି କହୁଛି ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଥିବ ଆମର ରେଡ୍ ଥିବ ହେଇଗଲା ରେଡ୍ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବି ତମେ ବନେଇପାରିବ ଚାହିଁଲେ ଯଦି କହିବି ଏଇଟା ଆମର ଥିବ ସମ୍ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ବଲ୍ ଏଇ ଆସିବ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଲଗେଇକି ଏମିତି ହିଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ ବନେଇପାରିବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ଇଏ ବି ଫଲୋ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ଆମର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ଟା କ'ଣ ହବ ଦେଖ କହିଲା ସମ୍ ରେଡ୍ ଆର୍ ବ୍ଲାକ୍ କିଛିଟା ରେଡ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା କିଛିଟା ରେଡ୍ ଆମର ଦେଖ ଏଇଠି ବି କହିପାରିବା କିଛିଟା ରେଡ୍ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ରେଡ୍ ଥିଲା କିଛିଟା ରେଡ୍ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ଫଲୋ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଫଲୋ କରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ସମ୍ ବଲ୍ସ ଆର୍ ରେଡ୍ ସମ୍ ବଲ୍ସ ଆର୍ ରେଡ୍ ହେଇପାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି କିଛିଟା ବଲ୍ ତ ଆମର ରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ହେଇଗଲା ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଛି ତ ଆମେ କହିପାରିବା ବୋଥ୍ 1 and 2 ଫଲୋ ତ ଏଇଠି କେଉଁଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୋଥ୍ ଦ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ସ ଫଲୋ ତ ଅପସନ୍ ସି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଆମର ଫଲୋ କରୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଫଲୋ ଦୁଇଟା ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଯଦି କହିବି ଖାଲି ଦୁଇଟା ହିଁ ଫଲୋ କରୁଥିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଓନ୍ଲି 2 ଫଲୋ ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ଫଲୋ ନ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ନାଇଦର୍ 1 ନର୍ 2 ଫଲୋ କହିପାରିବ ଯେମିତି ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଜମ୍ପସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଥିଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ସେଠି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଲୋ କରୁଥିଲା ନା ସେକେଣ୍ଡ ଫଲୋ କରୁଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଥିଲା ସେଇଠି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ନମ୍ବର 10 ଏଥିରେ କ'ଣ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ଦ ୱିକ୍ ଅନ୍ 12 March 1927 ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆମର 12 March 1927 1927 ଇଏ ଆମର କେଉଁ ବାର ଦିନ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ପଚାରିଛି କେଉଁ ବାର ଦିନ ପଡ଼ିବ ଆମେ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖିବା ଦେଖ ବାହାର କରିବା ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ଆମକୁ କୋଡ୍ କୋଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ନହେଲେ ମୁଁ କୋଡ୍ ଲେଖିଦେଉଛି 03364625 ତାପରେ ଆସିବ 035 ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଜାନୁଆରୀରୁ ନେଇକି ଆମର ଡିସେମ୍ବର ଇଏ ଆମର ମନ୍ଥର କୋଡ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ ନେଇକି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯାଏଁ ତା'ର କୋଡ଼୍ ଇଏ ଆମର ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର୍
ठीक अच्छे तापर देखा गोटे लिप इयर जिते बड़े थी ये आसो आम 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5 ये गोटे लिप इयर पर कम हम लिप इयर पर जिते कौन पाई ना जनवरी फेब्रुआरी ये आम लिप इयर 29 डेज आसो आम फेब्रुआरी मसरे से दुईटा ही चेंज बाकी सब रिमेनिंग सामान रोज किसी चेंजेस ना होगा तो आम देखा 1927 ये जो 1927 मसीहा गोटे लिप इयर कि नुह नुह मैंने आम यही कोड सब अप्लाई करवा है कि नहीं देखा ये डेट आमको के दिखाई 12 आम लिखा 12 प्लस मार्च रोड के देखीद मार्च कोड के 033 जनवरी फेब्रुआरी मार्च के तीन तो आम कही पार्टी 1927 जदि आम कह यू जो गोटे सेंचुरी इयर कह 1900 गोटे सेंचुरी इयर 1900 ठार ये केते अधिक अच्छी ना आम 27 वर्ष अधिक अच्छी तो आम ये लिखा 27 प्लस तापर लिखा के जो 27 वर्ष केतटा लिप इयर थी केतटा लिप इयर थी आम के बाहर करवा 27/4 कौन मैंने 4 वर्ष थे लिप इयर आसता है आम जानी 4 काटिले के आस 424 तो आम कह 6टा लिप इयर आसी तो आम कह 6 लिखीद जितेटा लिप इयर थी से लिप इयर लिखीद प्लस तापर यही 1900 मसीहार कोड के यार कोड हो गला आम 0 यार कोड के 0 तो आम लिखा 0 ठीक अच्छे आ टोटाल आम बाय करवा के टोटाल बाय करवा के हरण करवा 7 हरण करवा तो समस्त को मिसेक भी हरण कर पार कि जी कह ये भी काटिपार लास्ट तो काटिपार ही अच्छी तो 7 जी काटी ये 7 एठ जदि 7 पड़ेगा रही है 5 ठीक अच्छे यू 5 आठ 2 जदि नहीं 7 हो 1 बढ़ ठीक अच्छे 27 1 28 आम 7 कटिजी 7 6 28 ठीक अच्छे बढ़ला के 6 बढ़ीगला ठीक अच्छे रहा के 6 आ 6 मान कौन आम 6 मान आम कौ कौड 6 रही आम सटरडे राइट आंसर कौटा हम सटरडे ऑप्शन अच्छी कि ऑप्शन रे दिया ही नहीं सटरडे हम ना ये सटरडे तो दिया ही नहीं ठीक अच्छे राइट आंसर कौटा होम सटरडे ऑप्शन हुए तो दिया ही नहीं मिस्टेकली कटी जाए ना यहाँ सटरडे मे भी होता पार है कि नहीं तो आम राइट आंसर के सटरडे हम आम राइट आंसर चलो नेक्स्ट देखा नंबर 11 कौन कौन देख फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज ये जो सीरीज आम देखुचे ये जो खाली जगह ब्लैंक स्पेस ये आम फुल करार अच्छे देखा प्रथम तो आम देखा केत रेत डिफरेन्स अच्छी हुए तो सी डिफरेन्स बाहरी है एन रु नहीं क्यू जाए केत डिफरेन्स अच्छे जब कह एन देख ओ पी क्यू के आसमर तीन रिफरेन्स अच्छी क्यू पर आसो आर एस टी आम जब कह टीपर यू भी डब्ल्यू तो ये तीन तीन रिफरेन्स करवा ठीक अच्छे होगा तीन तीन रिफरेन्स तो प्रथम पाइले टी देख टी आम देख एक दो दुईटा ऑप्शन अच्छे तो ये कटिज एलिमिनेट होगा देखा ई पर आसला जे ई रु जे के बढ़ी आम 5 बढ़ी ठीक अच्छे जे रु जदि कह नेक्स्ट के बढ़ी थी 15 तो टी पर आसला ओ आसो टी आओ कौ ऑप्शन अच्छी गोटे ही ऑप्शन अच्छी तो ये आम राइट आंसर ऑप्शन बी टी ओ आई एल तापर ना देखीद जदि आम चेक करवा यू रु बी जाए के बढ़ी थी जदि कह एकुश नंबर एकुश रु आसला दुई नंबर के बढ़ी थी ये 5 2 7 तो आम कह ये आम 7 इनक्रीज 7 2 मिसले 9 ये 9 नंबर थाए आई तो आई ही तो आसो तो ऑप्शन रे तो दिया ही तो आग को कहीं बाहर करवा है कि नहीं तो ऑप्शन कौटा आम ऑप्शन बी हूँ आम राइट आंसर टी ओ आई आउ लास्ट थी आम एल होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ये कौन कहला देखीद कौजे सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क ऑफ द फॉलोइंग सीरीज क्वेश्चन मार्क जो दिखाई से रिप्लेस कला भाया ऑप्शन कौटा अच्छी कौटा देख 4 ऑप्शन दिखाई समस्त जना पड़ो निजे भी बाहर कर समस्ते केमती कौन बाहर देख प्रथम डिफरेन्स देखा 45 रु 47 बढ़ी सी ना कमी समस्ते कह पाने कि सार बढ़ी से आम जब कह बढ़ा के बढ़ी थी ये आम देख 2 बढ़ला ठीक अच्छे 47 रु 53 ये के इनक्रीज होमें जब कह ये देख के 6 इनक्रीज हो ठीक अच्छे 53 रु 65 ये के 7 5 12 तो आम कह ये देख 12 बढ़ी तापर ये के बढ़ी 65 रु 85 तो आम कह देख 65 रु 75 तापर 85 तो ये आम 20 बढ़ला ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट के बढ़ी थी केतरे बढ़ी थी देख तापर पुणी ये दुईजन डिफरेन्स चेक करवा 2 रु 6 के 4 बढ़ला ठीक अच्छे तापर 6 रु 12 ये के बढ़ला 6 तापर 12 रु 20 ये के 8 तो यही दुईटा देख जना पड़ा एवं समस्ते जापारे समस्ते आग 4 6 8 तो आम कही पारे सब जुग्म संख्यार के मिसी मिसिकी जा तो 4 6 8 तापर के बढ़ी थी 10 तो आम कह 20 10 मिसले के थी आम थी 30 बढ़ी थी तो 85 जो 30 मिसेबी तो कैसे आसो 8 3 11 1 1 आसो पुणी 5 ठीक अच्छे तो आंसर के 1 1 5 1 4 5 1 0 5 1 हाँ ऑप्शन सी रे अच्छी तो ये हम रईट आंसर 1 1 5 देख अच्छी ये जापाल समस्ते
ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଚେକ୍ କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସର ପୁଣି ଡିଫରେନ୍ସ ଚେକ୍ କର କେତେ କେତେ। ଏଇଠି ଯଦି ଚାହିଁବ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, 4 ରୁ 6 ପ୍ଲସ୍ 2, 6 ରୁ 8 ପ୍ଲସ୍ 2 ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାପରେ 8 ରୁ 10 ପ୍ଲସ୍ 2, ତ ଏଇ ରୋଡ଼ ଆମର ସମାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏଇସବୁ ବାହାର କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆରେଞ୍ଜ ଦ ଗିଭେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ ଇନ୍ ଦ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଦେ ଅକର୍ ଇନ୍ ଦ ଡିକ୍ସନାରୀ। କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖ ଇଏ ଆମର ଡିକ୍ସନାରୀ ଫର୍ମ ଦିଆହେଇଛି, କହିଛି 5ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ସେସବୁ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଡିକ୍ସନାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସଜାଇକି ଲେଖିବା। ତ ଡିକ୍ସନାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିଥାଉ, ଆଗ ଏରୁ ନେଇକି ଜେଡ଼ ଯାଏଁ ଆମର ସଜାଇକି ଲେଖିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଡିକ୍ସନାରୀ କେବେ ନା କେବେ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କହିବା, ଦେଖ ସବୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ା, ଦେଖ 5ଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏନ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏନ୍କୁ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଏନ୍ ପରେ କିଏ ଆସିବ, ଦେଖ ଏଇଠି ଏ ଏ ଅଛି, ତାପରେ ୟୁ ଆଇ ଆଇ ଅଛି, ତ ମୋତେ କୁହ ଆଗ କିଏ ଆସିବ ଆଲଫାବେଟ୍ ହିସାବରେ ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଆସିଥାଏ, ଏ ଆସିବ, ତ ଏ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଏଇଠି ଏ ଅଛି ଏଇଠି ଏ ଅଛି, ଏସବୁର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ, ଏସବୁକୁ ପରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଟି ଅଛି ଟି ଅଛି, ତାପରେ ୟୁ ଆଉ ଆଇ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆଗ ଆସିବ, ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଆସିଥାଏ, ଆଗ ଆସିଥାଏ ଆଇ, ତ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଥମରେ ଆସିବ ଟୁ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଟୁ, ତାପରେ ଆସିବ ୱାନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା କାମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରେ ଦେଖିବା, ମୋତେ କୁହ ୟୁ ଆଇ ଆଉ ଆଇ ଭିତରୁ କିଏ ଆଗ ଆସିବ, ଦୁଇଟା ଆଇ ଆଗ ଆସିବ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର 4 ଆଉ 5କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଏଇଠି ଆଇ ଅଛି ଏଇଠି ବି ଆଇ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସି, ସି ଆଉ ଜି ଭିତରୁ ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଆସିଥାଏ, ସିଟା ଆମର 3 ନମ୍ବର୍, ଜିଟା ଆମର 7 ନମ୍ବର୍ ଆସିଥାଏ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସି, ତ ନାଇ ସି ଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ତାପରେ ଆସିବ ଏଇଠି ଆମର 4, ଦେନ୍ କମ୍ପେୟାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିଲା 5 ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇଠି ଲେଖିବା 5, 2 1 4 5, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବ ଆମର କେତେ 3, 2 1 4 5 3, କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମର 2 1 4 5 3, ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଡିରେ ଅଛି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦେଖିଦେବେ ସମସ୍ତେ 2 1 4 5 3, ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏରେ 2 1 4 3 5, ଇଏ ତ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ, ତାପରେ 1 2 4 3 5, ଇଏ ବି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ 1 2 4 5 3, ଟିକିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ ତ ଇଏ ବି ଆମର ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଚାଲ ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ର କିଛି ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ନମ୍ବର 14, ଏଥିରେ କହିଲା ଦେଖ କ୍ଲକ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ୱେନ୍ ଏ କ୍ଲକ୍ ସୋଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ କ୍ଲକ୍ ଆମର ଟାଇମ୍ ଶୋ କରୁଛି କେତେ, 2:34, କେତେ ଟାଇମ୍ ଶୋ କରିଛି 2:34, ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲକ୍ ଦେଖିଥାଉ, 2:34 ହେଇଥିବ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଏଙ୍ଗେଲ, ସିଏ ମାଗିଛି କ'ଣ ଆମକୁ ଏଙ୍ଗେଲ, ଆଉ ଏଙ୍ଗେଲ୍ର ଫର୍ମୁଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମୁଲା କେତେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବେ କେତେ ହେଇଥିବ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମୁଲା, 30S, ତା'ର 2 ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା 11 ମିନିଟ୍ ମାଇନସ୍ 60 ଆୱାର୍ ବାଏ 2, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, କିମ୍ବା ଅରେ ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ 11/2 ଏଇଟା ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ 30H, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ୟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ବି ଲେଖିପାରିବ 30H ମାଇନସ୍ 11/2 ମିନିଟ୍, ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହିଁ ଆସିବ ହେଲା କି ନା। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ପକେଇ ବାହାର କରିବା, ଟାଇମ୍ ଗିଭେନ୍ କେତେ ଅଛି 2:34, ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କେତେ 2:34, ଆମେ ଲେଖିବା 2:34, ତ ଇଏ ତ ଆୱାର୍ ଘଣ୍ଟା, 2:34 ଠିକ୍ ଅଛି, ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥିଲା 30H ମାଇନସ୍ 11/2 ମିନିଟ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, 30 ଗୁଣନ, ଆୱାର୍ରେ କେତେ ଅଛି 2, ତ ଆମେ କହିବା 30 × 2 ମାଇନସ୍ 11/2, ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ କେତେ 34 ହେଇଗଲା, ମିନିଟ୍ ଯେତେ ଅଛି ମିନିଟ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା 30 × 2 ଯେ ଇଏ ଆସିବ 60 ମାଇନସ୍, ଯଦି କହିବି 2ରେ କାଟିଲେ ଇଏ କେତେ ଆସିବ 17 × 34, ତ ଇଏ ଆସିବ 17 ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କର, 17 × 11 17 × 11 କରିଦିଅ, 17 × 10 = 170, 17 × 1 = 17, ତ ଇଏ ଆସିବ 187 ଆସିବ କେତେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆସିଲା 187, ତ ଆମେ କହିବା 60 − 187, ତ ମୋତେ କୁହ ସାର୍ 60 ରୁ 187 କେମିତି ମାଇନସ୍ କରିବା, କେମିତି ମାଇନସ୍ କରିବ, ବଡ଼ଟାକୁ ଆଗ ଲେଖିଦିଅ 187 - 60, ତ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ 127 ଡିଗ୍ରୀ, ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ 127 ଡିଗ୍ରୀ, କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଆମର ଦେଖିଦିଅ 122 ହେବ ନାହିଁ, 127 ଆମର ଅପ୍ସନ୍ ବିରେ ଅଛି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା, ଜାଣିପାରିଲ, ଏଥିରୁ ତୁମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ, ଏଇଟା ଆମେ ପାଇଲେ ଏଙ୍ଗେଲ୍, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ପାଇଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ 360 ମାଇନସ୍ କରିବା, 360 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ପାଇଥିବା ସେଇ ଏଙ୍ଗେଲ୍ଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା କେତେ 127 ଡିଗ୍ରୀ, ୟାକୁ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆମର ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ପାଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆମର ପାଇପାରିବ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ କହୁଛି,
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री अल्टरनेटिव। देखो ये कौन कहला नॉर्मली देखिए गले क्वेश्चन कौन कही फाइंड द ऑड वन ऑड वन एटी भितर आमर ऑड कोटा अच्छे से हमको फाइंड करने कहे। देख पे ये जब कह 39 ठीक अच्छे तापर 43 तापर 57 तापर 63 ये दिखाई तो मत कह यू जब कह कौटा अड अच्छी आम जब कह देख कौटा आम अड अच्छी अलग केमती जाना केमती जाना अलग कौटा देख जदि आम कह 39 जो देख कह 39 बाय 3 तीन रे डिवाइड कले देख ये केन के तीन 13 3 39 कटी जाऊँच ठीक अच्छे तापर या देख तीन काटिले कटो कि 43 बाय 3 ये कटि पार कि जो चार काटबी ये कटो ना ठीक अच्छे तापर या जब काटबी तीन रे पार कि देख तीन काटिले तीन के तीन है तापर आस आसा 27 आसो के 9 3 27 समस्त जानते तो 19 ठीक अच्छे ये मैं कटिगला तापर फाइनाल देखिए ऑप्शन डी ये तो जना पड़ी ये आमर आसा 21 21 63 63 तो ये मैं कटि जाऊँच तो आम कही पारे ये सब तीन द्वारा डिविजिबल हो गोटे ही नंबर जोटा ऑप्शन बी ये आम कटू ना ठीक अच्छे प्राइम नंबर कहींपर कि असुविधा ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो अड कौटा पाइले आम ऑप्शन बी 43 तो 43 हो रईट आंसर। नेक्स्ट देख नंबर 16 कौन कौन देखिए नंबर 16 ये कौन कहला इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। देख ये आम डिफरेंट सेम जिन ही पचारि अड वन कौटा बोली पचारे तो ये मतलब कमेंट करके जन कि अड कौटा अच्छे ये चार्टा ऑप्शन भितर अड मानने अलग कौटा अच्छे से मागिचे तो अड मत समस्ते कौन कमेंट बक्स में जनइब होमवर्क रहा यहाँ तो समस्ते कमेंट करके जनइब एक्चुअली यार आंसरटा कौटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नंबर 17 ये कौन कहला टू पोजिशन अफ द सेम डाइस आर गिवेन व्हिच नंबर इज द फेस अपोजिट द फेस 6 आमको कौन दरकार ये नंबर 6 अपोजिट मागिचे नंबर 6 अपोजिट मागिचे गोटे डाइस को आम दुई थर पकईले दुई थर पकईला किसी ही एमती दुईटा आम इंटरफेस शो कला है कि नहीं प्रथम पड़ा आमर 4 3 2 आसीगला सेकेंड आसा 6 1 3 आसला तो ये आम कह देख ये भितर किए कह अपोजिट आमको दरकार कह 6 अपोजिट दरकार आमको ठीक अच्छे 6 अपोजिट आम बाहर करवा तो मत कह ये दुईटा भितर गोटे कमन नंबर थी कमन नंबर देखी दिव ये गोटे आम तीन कमन अच्छी एटी आमर तीन कमन अच्छी देखी पार समस्ते गोटे ही नंबर कमन अच्छे किंतु कौ सैड्रे ये देख लेफ्ट हैंड सैड अच्छे ये आम रे अच्छे आम कहींपर ये लेफ्ट्रेला ये आम रे अच्छे तो जितेबाला गोटे भी नंबर कमन थी आउ अलग अलग फेस्रे थी तो कमती आम बाहर करवा अपोजिट ना जो नंबर भी कमन अच्छे से ही नंबर ठारूँ कौन क्लोकवाइज डायरेक्शन आम जा तो तीन रू आम घंटा घंटा जमती जाए सेमती क्लोकवाइज डायरेक्शन जाए आम सब कौन अपोजिट पेयर पाई तो मत कहू जब कह प्रथम तीन रू जब क्लोकवाइज डायरेक्शन गले तो प्रथम पाइले किए 4 ठीक अच्छे तापर एठ क्लोकवाइज गले किए आसो ये आसो 1 तो 4 आउ 1 दुईटा आमर अपोजिट पेयर थे ठीक अच्छे ये दुईटा अपोजिट हे तापर पुणी आपको जावा ये आसो किए आम 2 ये आसो किए 6 तो आम कह 6 अपोजिट किए थी 2 तो ये दुईटा आम अपोजिट पेयर थे देख ये पुणी क्लोकवाइज आपको गल 2 आसला ये आपको गले किए आसा 6 तो ये दुईटा अपोजिट पेयर थे पाइल समस्ते तो आमको दरकार थी कहार अपोजिट 6 अपोजिट तो आम कहींपर 6 अपोजिट किए आम कहींपर 2 तो राइट आंसर किए थी 2 कौ ऑप्शन अच्छे ऑप्शन ऑप्शन डी रे अच्छी तो आम कहींपर ऑप्शन डी हम तार राइट आंसर बुझेगला देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नंबर 18 कौन कौन नंबर 18 कहला 6 पर्सन पी ठारू नहीं कि यू जाए तो किए किए थे पी क्यू आर एस टी एंड यू 6 जन हो गए टोटाल 6 जन आर सिटिंग ऑन ए बेंच फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ ये देख कौन कही फेसिंग कुआडे फेस कर साउथ को फेस कर तो आम जब कह देख साउथ को फेस करेंगे मानते तल को फेस करें 1 2 3 4 5 आउ 6 जन साउथ फेसिंग मानने डायरेक्शन समस्त जान ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हो गला साउथ मैंने तल को फेस करेंगे मैंने ये लाइन में बसुच्च एपटे फेस करेंगे है कि नहीं साउथ तल को फेस करेंगे एरो मार्क देदे फेस कर समस्ते तो यहाँ देख यहाँ हो लेफ्ट ये आसर रईट यहाँ सब रिमेम्बर कर मन रखी थी कि जो साउथ फेसींग करे लेफ्ट हे ये रईट हे आज जब नॉर्थ फेसिंग कह ये राइट हो ये लेफ्ट होती मन रखी थी तापर कौन कहला क्वेश्चन कौन दे पी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यू पी कौटि बस पीटा आमर बस कौट कौट कह पी इज द सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यू क्यूर रईट्रे बस तो क्यू आम कौटि बसईवा ये देख जदि क्यू बसईवा तेल क्यूर रईट्रे पी बस कि नहीं होगा आपटे कौन क्यूर लेफ्ट हो जाए कौन देख रईट सैडटा ये अच्छे Q
क्यू र राइट रे हमरो पी बसीगला एति कन्फर्म हे गेला तापरे तापरे कोन कहू छी हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस हुडा कहा पई लागी छी हुडा लागी छी हमरो क्यू पई जेते बेला देखो हु हुज हुम लागी थबो सब बेला तारो पाख पर्सन पई लागी थाए हला कि नै तारो पाख पर्सन पई लागी थाए एटि देखो क्यू पाखे रे हु लागी छी तो कहिला क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस एस रो सेकंड राइट रे किए बसथिबो क्यू बसथिबो त हमें कहिबा एठी एस बसथिबो आ एस रो सेकंड फास्ट आ सेकंड सेकंड राइट रे क्यू बसी पारिबो एति कि कन्फर्म हे गेला तापरे तापरे कोन कहिला एस इज एट वन ऑफ द कॉर्नर एस टा हमरो गुटे कॉर्नर रे बसी पारिबो त ये एस देखो जदी राइट साइड रे अछि त एठी कोडी बसथिबो देखो ये हमर कहिबी जदी देखो लेफ्ट रु काउंट हे कि एपटे आसुची हे गेला त एस टा हमरो एही कॉर्नर रे बसीथिबो एठी हमर एस बसीथिबो तापरे एठी गुटे जगह खाली अछि तापरे एठी क्यू बसीथिबो एठी हमरो पी बसीथिबो एति कि कन्फर्म हे गेला पी बसीथिबो तापरे टी इज एन इमिडिएट राइट ऑफ पी पी रो इमिडिएट राइट रे किए बसी जे हमरो टी एठी हमरो टी बसी जी बोली कहू छी ठीक अछि टी बसी छी हे गेला तापरे तापरे कहिला यू इज टू द इमिडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू क्यू रो इमिडिएट लेफ्ट रे किए बसी हमरो यू माने एठी यू बसी छी हे गेला तो आ गुटे जो खाली रहिला जगह एठी किए बसी थिबो एठी हमरो आर बसी थिबो देखि दियो कोन पेना पी क्यू आर एस टी यू समस्त भितर समस्त को प्लेस करथिले केवल आर ही हमरो बाकी थिला एति कि हे गेला तो एबे क्वेश्चन पचारि छी कोन व्हिच टू पर्संस आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड क्वेश्चन पचारि छी एमती को दुई जण हमरो एक्सट्रीम एंड रे बसी जंदी एंड रे किए देखो राइट एंड रे आर बसी छी आ लेफ्ट एंड रे हमरो एस त हमें कहि परबा आर एंड एस ए दुई जण कोन दुई साइड रे बसछन दुई पट साइड रे बसी जंदी बोली कहि परबा तो को ऑप्शन अछि देखो आर एस किमा एस आर हे परबो हमरो फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए रे अछि तो ये हे जइबो राइट आंसर एस एंड आर हे जइबो राइट आंसर देखो पी आ एस केबे भी होबो नै पी तो मिडिल रे बसी छी कहि परबा क्यू आर हम ही ना ये क्यू टा मिडिले बसी छी पी आउ टी हम ना पी आउ टी देख ये पाखापाखी सेकेंड आउ थर्ड प्लेस जब कह रईट्रु बसी से तो एंड रे किए किए बस पचार तो ये हमारे एस एंड आर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नंबर 19 क्वेश्चन कौन कहला अंजलि ट्रावेल्स टुवर्ड्स द साउथ 5 किलोमीटर कौन कहला अंजलि ठीक अच्छे अंजलि बोली गोटे झील ठीक अच्छे ट्रावेल्स टुवर्ड्स द साउथ 5 किलोमीटर प्रथम साउथ को कैसे जाइए आम 5 किलोमीटर साउथ को गला सी आम 5 किलोमीटर आस 5 किलोमीटर ठीक अच्छे तापर देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रावेल 3 किलोमीटर पुणी लेफ्ट टर्न जाइए आमर 3 किलोमीटर यहाँ आमर 3 किलोमीटर ठीक अच्छे 3 किलोमीटर फाइनाली टर्न लेफ्ट पुणी थे कौन लेफ्ट टर्न नहीं कितने 1 किलोमीटर ये पुणी कैसे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ठीक अच्छे 1 किलोमीटर नहीं जावा एवे क्वेश्चन पचार व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर स्टैंडिंग एंड फाइनल पोजिशन यही पोजिशन ठार् पोजिशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मागी केमी बाहर करवा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए यहाँ आम स्टार्टिंग ये आम एंडिंग फाइनाल पोजिशन यहाँ लगे नहीं तो आमको मागी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मत कहू जदि कह देख ऊपर को गोटे किलोमीटर आम जब 5 रु 8 गोटे किलोमीटर आम माइनस करदे तो ये कैसे थी ये जगह थी के 4 थी प्लस 1 हेल्ले 5 हो ठीक अच्छे आई डिस्टेंस आमको जना अटा अच्छे आम 3 यहाँ जना अच्छे आमको के तो मत को ये 4 अच्छी तौक ये आसला 3 आठ डिस्टेंस पचारे तो के आसो यहाँ जो आम जान समस्ते कि पाइथागोरस थ्योरम आम अच्छी कि कौन हो स्क्वायर जब कह या ए नहीं जीव ठीक अच्छे या नहीं जाओ या सी नहीं जाओ तो जब आमको सी पाइबार अच्छे जदि आम कह सी पाइबार अच्छे तो कौन दरकार आमको ए स्क्वायर ठीक अच्छे तापर प्लस बी स्क्वायर आ तार होल रूट है ना टोटाल रूट बाहर कर तब जदि आम कह एमर के दिखाई है 4 तो आम कह 4 स्क्वायर प्लस बी के अच्छे 3 स्क्वायर आ तार अंडर रूट ये करदे तो 4 14 प्लस 3 3 9 आईटा अंडर रूट तो कैसे आसो 25 आसो अंडर रूट तो 25 कहार स्क्वायर समस्त को जना थी 25 हूँ 5 स्क्वायर तो 5 हो राइट आंसर तो आम कहीपर ए जदि 4 है बी जदि 3 है सी आम के 5 थी तो आम कहीपर ये के 5 किलोमीटर तो यहाँ ऑप्शन बी हो राइट आंसर बुझिपारे समस्ते ऑप्शन बी हम आम राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नंबर 20 ये कौन कहला देखी दि मनप्रीत इज 17th एंड मिडिल पर्सन ऑफ ए रो कौन कहला गोटे रो अच्छी जो थे कि आम मनप्रीत कौन कहला मनप्रीत आम 17 नंबर कौटी मिडिल 17 जदि कह मनप्रीत इज 17th एंड मिडिल पर्सन जदि आम कह ये कौटी ये 17 नंबर आ कौन मझीरे ये मझीरे बस मैंने कौन एपटू काउंट कले भी 17 नंबर एपटू काउंट कले भी 17 नंबर ताल तो सी मिडिल पर्सन हम आम जब कह 3 जन बस ठीक अच्छे आम जब कह टोटाल 3 जन बस तो कह यही 3 जन ही बसिले ठीक अच्छे
तो मतलब कह ये जब मनप्रीत को नेबी तो कहीपरि ना ए मनप्रीत आम सेकेंड पोजिशन बोथ एंड रु आम मिडिल पर्सन भी कहीपरि एक दो तीन तो एपटू काउंट कले भी एक दो तीन तो देख ये जो मझी नंबर ये तो दुई ही आसब सब बेले है कि नहीं लेफ्ट रू काउंट कले भी दुई नंबर राइट रू काउंट कले भी दुई नंबर तो सेम ही जिनस ये अप्लाय हो तो ये कहला मनप्रीत आम लेफ्ट रू आम जब कह सतर नंबर राइट रू आम सतर नंबर आउ सी मिडिल ही बस कहूँ तो ये पचारा कौन फाइंड द टोटल पर्सन ऑफ दैट रो से ही रो रो टोटल पर्सन पचारिचे तो देख मनप्रीत लेफ्ट रू रैंक पाइले आम सतर नंबर राइट रू के तार से ही सतर नंबर ठीक अच्छे आ माइनस करवा के वन फर्मूला कौन था जान समस्ते लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन ठीक अच्छे यहाँ गल तार फर्मूला टोटाल पाइबापी तो ये आम कहीपर के सतर सतर चौतीस तो ये आसपा आम थर्टी फोर माइनस वन तो के आसपुर थर्टी थ्री तो राइट आंसर के थर्टी थ्री कौटी अच्छे ऑप्शन ऑप्शन सी रे अच्छी तो थर्टी थ्री हो राइट आंसर तो आम कहीपर कि रो रे टोटाल केते जन अच्छा थर्टी थ्री जन अच्छा ये रो रे केते जन अच्छा तेतीस जन अच्छा आम कहीपर है आ क्वेश्चन अच्छे कि ना आ क्वेश्चन ना टोटाल ट्वेंटी ही क्वेश्चन थी ठीक अच्छे पे तो वीडियो केमती कौन लगे समस्ते कमेंट करके जन आज जहाँ होमवर्क दिखाई ताको समस्ते कमेंट जन ठीक अच्छे आज वीडियो को एटी एंड करवा वीडियो केमती कौन लगे कमेंट करके जन पुणी देखा आउ गए नुआ वीडियो किसी नुआ नुआ क्वेश्चन सहित से जाए रही नमस्कार।